हेलो फ्रेंड्स, आपका विलेज कढ़ाई में स्वागत है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जन्माष्टमी का दिन है और मैं अपने खेतों में खीरा तोड़ने आई हूँ। बरसात के मौसम में हम खीरे को बांस के ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे और अच्छा फल लेता है। हमारे गांव में खीरे की खेती सबसे ज़्यादा होती है और इसी तरह हमने साग सब्जी और भी दूसरी लगाई हुई है। जन्माष्टमी पर खीरा चढ़ाने के लिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। अब मैंने खीरा तोड़ लिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अब मैं आज की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया हुआ है चने का बेसन और घी, कटे हुए मेवे और ये हमने चीनी ली हुई है। हमने आग जला लिया है और हमने कढ़ाई रख दी है और हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, तो हम उसमें घी डालेंगे। घी हमारा जब पिघल जाए तो हम उसमें अब बेसन डालेंगे। बेसन को हम अच्छी तरह घी में मिलाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। बेसन को हम धीमी आंच में भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और हम इसको हमेशा चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमें लग रहा है हमारे बेसन में घी कम है, तो हम इसमें और भी घी मिला लेते हैं। बेसन को हम एक तरफ करके ही घी डालेंगे ताकि वो अच्छे से खूब मिल जाए उसमें। बेसन को हम 15-20 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये हल्का भूरा कलर का ना हो जाए। 15-20 मिनट बेसन भूनने के बाद हमारा घी इस प्रकार छोड़ने लगेगा और हमारा बेसन इस तरह गीला हो जाएगा। जब हमारा बेसन अच्छे से भून जाता है तो उसमें से बहुत अच्छी सी महक आने लगती है और हम इसमें अब पानी का बूटा मारेंगे। इससे हमारे बेसन में दानेदार सा होने लगता है। आज हम लड्डू बनाएंगे और दानेदार बेसन से लड्डू बहुत ही अच्छा बनता है। पानी का बूटा मारने के बाद भी हम इसको कुछ देर तक भूनेंगे। अब हमारा बेसन भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको बड़े बर्तन में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। बेसन को हम बस इतना ठंडा करेंगे ताकि हम उसको हाथ से छू सकें। मैंने इसको फैलाकर रख दिया है ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। अब हमारा बेसन थोड़ा ठंडा हो चुका है तो हम इसमें मेवे मिला देते हैं। आप इसमें अपने अनुसार मेवे मिला सकते हैं। मेवे को हम बेसन में बहुत अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा बेसन ठंडा हो चुका है तो हम इसमें पीसी हुई चीनी को मिलाएंगे। हम बेसन में चीनी को बहुत अच्छे से मिलाएंगे। आप अपने अनुसार चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए, हमने बेसन में चीनी को अच्छे से मिला लिया है और हमारी बेटी भी इसमें मदद कर रही है।
अब हम इसको थोड़ा सा हाथों में लेते हैं और इस तरह गोल गोल लड्डू बांधेंगे। बेसन के लड्डू बनाने बहुत ही आसान हैं और आप देख रहे हैं हमारे लड्डू कितने अच्छे बन रहे हैं। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा लड्डू बांध सकते हैं। ये लड्डू हम जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाने के लिए बना रहे हैं। हमारे घर में बेसन के लड्डू सभी को पसंद है। इतनी सामग्री में हम 50 से 60 लड्डू हम बना सकते हैं। देखिए हमने आधा से ज़्यादा लड्डू अब बांध लिए हैं। अब हम लड्डू को डिब्बे में रख लेते हैं। अब मैं लड्डू को श्री कृष्ण भगवान के पास रख देती हूँ और खीरे को भी उनके पास चढ़ा देती हूँ। इसके बाद मैं अगरबत्ती से उनकी पूजा कर लेती हूँ। हमारे गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी सभी लोग एकजुट होकर मनाते हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलकर धनिया पंजीरी बनाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। यहाँ पर सभी लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं। मैंने पूजा कर ली है, अब मैं घर जा रही हूँ। हमारे गांव के सभी बच्चों ने रंग कर मटकी तैयार की है और सभी लोग मटकी को लेकर घर घर जाते हैं और उसमें सिक्के या पैसे डलवाते हैं। और यहाँ कल रात से ही बारिश हो रही है। देखिए यहाँ मटकी को सभी लोगों ने बांध दिया है और सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब एक एक करके सभी लोगों के आंखों पर पट्टी बांधते हैं और वो लोग मटके को डंडे की सहायता से फोड़ते हैं। मटके को डंडे की सहायता से भी फोड़ते हैं और जिस तरह हर जगह मटकी को फोड़ा जाता है उस तरह भी यहाँ पे मटकी को फोड़ते हैं। मटकी में दही, चंदन, हल्दी, फूल और अक्षत माला सब डालकर उसको फोड़ते हैं। इस तरह मटकी एक बार में नहीं फूटती है, ये लोग कई बार प्रयास करके मटकी को फोड़ते हैं। सभी लोग मिलकर शाम को भोजन बनाते हैं और इसे प्रसाद के रूप में सभी को खिलाते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलें।